कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को समझेंगे जो कि आपके आरएस अग्रवाल के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ मैं, अगर ये प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लोगे फिर एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं बेटा आज के एग्जाम्पल नंबर 3 के प्रॉब्लम को। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है क्या कि फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज, आल्सो फाइंड द अमाउंट। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें आपको पता करनी है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, दूसरा अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करना है वो 4500 रुपीज़ पे करोगे। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1 ईयर का वो 8% दिया गया है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिर्फ 73 डेज के लिए करना है और बाद में आपको अमाउंट भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। वी यूज यर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साल का है और यहाँ जो टाइमिंग जो दी गई वो डेज में दी गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि टाइमिंग को आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, यानी डेज में दिया है लेकिन ईयर में बदलेंगे। लेकिन कैसे बदलेंगे यहाँ देखना। देखो आप जानते हो कि 365 डेज का एज अ 1 ईयर होता है जनरल वे में, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि 73 को आप 365 से डिवाइड करिए ताकि ये ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अब आपको इसको थोड़ा छोटा करना है। अब एक चीज़ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई किस नंबर से हम डिवाइड करें, तो इसका एक तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लीजिए। जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे बेटा तो इसका जो आंसर जो आएगा वो 73 आएगा। यानी आप क्या करें कि न्यूमरेटर को भी 73 से डिवाइड करिएगा और डिनोमिनेटर को भी आप 73 से डिवाइड करिएगा। तो यहाँ देखो 73 को डिवाइड करेगा तो 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा और यहाँ पे ये 365 जब 73 से जब डिवाइड होगा तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप ये देखोगे कि जब हम 73 डेज को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 1/5 ईयर हमें मिल रहा है। तो टाइमिंग हमने ईयर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल की वैल्यू दैट हैज़ बिन गिवन 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% यहाँ दिया गया है, टाइमिंग 1/5 ये है ही है, अपॉन यहाँ पे 100 आप कर दें। अब यहाँ पे ये 100 जो होगा इसको जब डिवाइड करेगा तो कितनी बार में करेगा, 45 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो 45 जो होगा इसे 5 से जब डिवाइड होगा तो कितनी बार में होगा, 9 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये जो है हम इसको 9 टाइम्स में हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 8 जा 72। यानी जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन जो आएगा वो 72 रुपीस का आएगा। अब मान लो यहाँ पे अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट आप बताइए, तो यहाँ पर समझो बेटा कि जब हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे, जो अभी हम लोग निकाले हैं ना इसी को जोड़ेंगे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू बेटा ऑलरेडी देखो दी गई है, दैट इज व्हाट 4500 दी गई है। अब इसमें हम 72 रुपीस हम लोग प्लस कर लेंगे, ये प्लस करेंगे कितना 72 रुपीस, तो देखो हमें क्या मिलेगा 4572 हमें मिलेगा। बच्चों यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 4 में जो प्रॉब्लम दी गई उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 ये दिया गया है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू 5525 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। तो कह रहा है क्या कि वो सम क्या होगा, सम का मतलब यहाँ प्रिंसिपल से है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछे रही है कि भाई प्रिंसिपल का रिजल्ट क्या है, कि वो प्रिंसिपल क्या है जो अमाउंट जो होगा 5525 रुपीज़ का बन रहा है, लेकिन यह बन रहा है किस हिसाब से, 3 ईयर्स और 10% पर एनम के रेट से बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे दो चीज़ें आपको नहीं पता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट नहीं पता है, दूसरी चीज़ आपको प्रिंसिपल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो जब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया गया है तो कुछ देर के लिए आप प्रिंसिपल को मान लीजिए एज ए एक्स, मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है एक्स रुपीज रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है।
तो प्रिंसिपल कितना है बेटा, एज ए एक्स आपने माना हुआ है, रेट दिया गया है एज ए 10, टाइमिंग की इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज 3/100 आप कर लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जीरो आप कैंसिल कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एज ए 3x/10 मिलेगा, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि अमाउंट के बारे में जानकारी दी गई है कि अमाउंट कितना बनना है, 5525 रुपीज का बनना है। तो अब यहाँ पे कुछ समझनी होगी कि जब हम अमाउंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं, ये चीज तो आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा कि प्रिंसिपल की ये अमाउंट की जो वैल्यू है वो दे दी गई है, दैट इज व्हाट, 5525। प्रिंसिपल पता नहीं था लेकिन आपने उसकी जगह पे एक्स रखा हुआ था, यहाँ पे एक्स रख दीजिए। प्लस इंटरेस्ट बेटा आपने निकाला है जब व्हाट, 3x/10, क्लियर, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी जगह बन जाएगी। याद है बेटा आप क्या करें कि इनको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। तो 10 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10x मिलेगा, और 10x में 3x जोड़ दोगे तो बेटा 30x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5525 is equal to 13x/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि इनके बीच में ये डिवाइडेशन का साइन दिख रहा होगा, तो जब आप इस 10 को हटाओगे तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 5525 इंटू 10 इज इक्वल टू 13x। अब इनके बीच में जो मैथमेटिकल जो साइन है वो इंटू का है, तो अब यहाँ से अगर आप 13 को हटाओगे तो वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 5525 × 10/13, और यहाँ पे क्या रह गया बेटा, एक्स रह गया। अब यहाँ पे ये जो 5525 इसको 13 से डिवाइड करके देखिए कि क्या आता है, आपको मिलता है आप यहाँ पे, तो 5525 डिवाइडिंग बाई 13 कर लीजिए, तो 13 × 4 = 52 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, 2 × 13 = 26, क्लियर, 6 यहाँ बच रहा है और ये 5 आप ले लीजिए, और 13 × 5 = 65। तो आपने ये देखा कि अगर हम इस रिजल्ट को 13 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें 425 मिलता है। अब यहाँ पे हम 425 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4250 रुपीज, और ये क्या है, एक्स का रिजल्ट है, और एक्स हमने क्या बना था, एज ए प्रिंसिपल की जगह पे बना था। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा बेटा, 4250 होगा। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें कहें कि एक बार इस चैनल पर जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।